जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ जोड़ी, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीडी फिजिकल एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं 1600 मीटर का स्पेशल वर्कआउट जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो आप देख रहे हैं वर्कआउट ऑफ 1600 मीटर रेस, तो हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारा वर्कआउट जो है वो एक हफ्ते का प्रोग्राम है, पूरा मंडे से सैटरडे तक। तो शुरू करते हैं हम मंडे का जो वर्कआउट है। हम आपको बताने वाले हैं कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है। मॉर्निंग में 6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, इसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद जो 6 किलोमीटर का पेस होगा वो 24 मिनट तक आपको 6 किलोमीटर करना ही होगा, यानी 4 से 4.5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी टाइमिंग लगना चाहिए। इसके बाद आपको अपर लोअर की एक्सरसाइजें सारी करनी होगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होगी। इसके बाद इवनिंग में जब आप आते हैं वार्म अप करना होगा आपको 5 से 6 राउंड का, इसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी। इसके बाद आपको 200 मीटर की स्ट्राइक लगानी होगी, पेस आपका 30 सेकेंड होगा। 30 से अगर आप बहुत बिगनर हैं तो आप 35 तक जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं जा सकते, नहीं तो फिर वर्कआउट में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद ट्यूजडे का जो वर्कआउट है हमारा मॉर्निंग का, 6 राउंड वार्म अप करना है आपको, 6 राउंड वार्म अप करना। इसके बाद एक्सरसाइज करनी है थोड़ा बहुत, इसके बाद ABC एक्सरसाइज करनी है। ABC में बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं, आपने वर्कआउट देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, उसमें से ABC जो एक्सरसाइज बहुत सारी, कम से कम और हमारे 35 से 40 एक्सरसाइज है वो आपको करना होगा। इसके बाद इवनिंग में जो आपका प्रोग्राम होगा वो 5 किलोमीटर रनिंग का होगा, क्योंकि आप तो पहले वर्कआउट करते आ रहे हैं, लोडेड वर्कआउट करते आ रहे हैं, इसलिए इसके बाद 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद कूल डाउन होगा। अपर लोअर की एक्सरसाइजें आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी वर्कआउट करने के बाद अगर आप ये सारी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद बुधवार यानी वेडनेसडे में आपको क्या करना होगा। मॉर्निंग में आपको करना होगा थोड़ा 3 से 4 राउंड का वार्म अप, इसके बाद हल्की एक्सरसाइज, इसके बाद स्लो फास्ट रनिंग करनी होगी। आप स्लो फास्ट रनिंग अकेले तो नहीं कर सकते, यानी कोई कोच या आपको करने वाला, सीटी बजाने वाला होगा जो आपको 1 मिनट फास्ट कराएगा। आप ध्यान दीजिए, 1 मिनट आपको फास्ट करना है, कम से कम 50 से 60% के पेस से करना है। इसके बाद 1 मिनट स्लो करना है, यानी स्लो बिल्कुल पैदल चाल की तरह करना है। इसके बाद कूल डाउन अपर, ये जो वर्कआउट करना है आपको कम से कम 20 से 25 मिनट करना है। ये जो स्लो फास्ट का वर्कआउट है इसको आपको 20 से 25 मिनट करना है। इसके बाद कूल डाउन अपर लोअर एक्सरसाइज करनी है। अब मैं चलता हूँ इवनिंग की तरफ। इवनिंग में वह आपका वर्कआउट होगा वार्म अप करना है, आपको वार्म अप करना है 10 राउंड का। इसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितनी भी आपको आती है, स्ट्रेचिंग आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, हैंड की, लेग की, जितनी भी एक्सरसाइज आती है आपको वो सारी चीजें करनी है, सारी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपको बॉडी छोड़ देना। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार मॉर्निंग में आपको, अगर किसी के पास हिल रनिंग मिलती है नहीं मिलती, किसी के पास सैंड यानी बालू मिलती है कि नहीं मिलती, इसके बाद ग्रास रनिंग, इनमें से 3 में से कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो आपको उसमें करना है। मान लो कोई ऐसी जगह से बिलोंग करता है जिसको हिल रनिंग नहीं मिलती, किसी को सैंड यानी बालू नहीं मिलती, किसी को ग्रास नहीं, इसमें से 3 में से जो भी चीज़ मिल रही है वो आपको जरूर करना है। इसके बाद अपर लोअर की एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। कोई बात नहीं, आपको दिन भर रेस्ट करना है। जब इवनिंग में आप आते हैं, जब जो भी आपका टाइम है, इवनिंग में आपको करना है 10 राउंड का वार्म अप स्लो, एकदम बॉडी हीट होगी। इसके बाद अपर लोअर की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी की पूरी करनी है। फ्राइडे यानी शुक्रवार को आपको करना है मॉर्निंग में 10 राउंड का इजी, 10 राउंड यानी इजी रनिंग करनी है, बिल्कुल बॉडी हीट हो। इसके बाद स्ट्रेचिंग की जितनी भी है, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले वर्कआउट में बहुत लोडेड वर्कआउट कर रहे थे, इसलिए हमको थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी देना है। स्ट्रेच से बॉडी, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो खींचते हैं और हमें रिलैक्स फील होता है जब हम रनिंग करते हैं। इवनिंग में करना है आपको वार्म अप 3 से 4 राउंड, इसके बाद 400 मीटर की स्ट्राइक लगानी है आपको। 400 मीटर की स्ट्राइक यानी आपको लगाना है कम से कम 8 से 10 स्ट्राइक लगानी है। पेस जो आपका होगा वो 1 से 10 यानी 1 मिनट 10 सेकंड के करीब होगा,
इसके बाद आपको 90 सेकेंड का रेस्ट भी लेना होगा। मान लो एक आप 400 मीटर की स्ट्राइक लगा रहे हैं, एक 10 या 15 की, इसके बाद आपको घड़ी में देख के आपको 1.5 मिनट का रेस्ट लेना होगा, 90 सेकेंड का रेस्ट लेना होगा। इस तरह से फिर अगेन 400 मीटर की फिर वही शेड्यूल चलता रहेगा। इसके बाद जब वर्कआउट ख़त्म होता है थोड़ा आपको कूल डाउन करना है, इसके बाद अपर लोअर की सारी एक्सरसाइज पूरी करनी है। अब आते हैं सैटरडे। सैटरडे का वर्कआउट मॉर्निंग का वर्कआउट होता है सैटरडे का, रोड रनिंग का। ग्राउंड में भी कर सकते हैं, अगर रोड नहीं है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। यानी 8 से 10 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा, 8 से 10 किलोमीटर रनिंग करना होगा। इसके बाद बॉडी को कूल डाउन करना होगा, अपर लोअर की जितनी भी एक्सरसाइजें होंगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होंगी वो करना होगा। इसके बाद बॉडी को छोड़ देना होगा, आराम से दिन भर रेस्ट करना होगा, बॉडी में ज़्यादा लोड नहीं देना होगा। इवनिंग का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें से करना क्या होगा कि आपको लगाना होगा 600, 400, 200, 100। इसमें से हमने दिखा रखा है 600 मीटर की जो फेस होगा आपका, यानी 600 मीटर का जो पेस होगा वो 2 मिनट 10 सेकंड का होगा। इसके बाद आपको रिकवरी लेना होगा 90 सेकंड की। 600 मीटर की दो करनी है याद रखिएगा। इसके बाद 400 मीटर की करना है आपको 1 मिनट 10 सेकंड में करना होगा, उसकी भी 2 स्ट्राइक लगेंगी 400 मीटर की। इसके बाद आपको 90 सेकंड हर स्ट्राइक में, आप ये याद रखिए कि आपको हर स्ट्राइक में 90 सेकंड का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको 200 मीटर का जो करना है, 200 मीटर का उसमें से आपको 30 से 35 सेकंड के बीच में टाइम आना चाहिए, उसमें भी आपको 90 सेकंड का रेस्ट लेना है। ये था हमारा पूरे हफ्ते का शेड्यूल दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा शेड्यूल लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइट के बारे में बताएंगे। तो हमारा ये वर्कआउट पूरा सप्ताह का कैसा लगा आपको? तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल JD फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो हम आपको हर तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।